अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको मानव सेहत की बेहतरीन हालत में रखे। जो आज का व्लॉग है ये बहुत 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 स्पेशल होने वाला है। मेरे लिए तो बहुत ही स्पेशल है कि मैंने इस दिन का इतना इंतज़ार किया है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तकरीबन मुझे 6 महीनों से मैं इंतज़ार कर रही हूँ इस दिन का। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी ये विश अल्लाह ताला पूरी कर रहे हैं। तो आज के व्लॉग में हम जा रहे हैं मदीना इन अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके लिए हमने सुबह इंशाल्लाह ट्रैवल करना है मक्का से मदीना। शाम को कल हम असर के बाद निकलेंगे, तो उसके लिए हमें रास्ते में कुछ खाने पीने के लिए चीज़ें लेनी थी। ऐसा मैं घर से बना के लेके जाऊंगी, वहाँ पे जाके नहीं लेनी, मतलब रास्ते में ऐसा नहीं लेनी, वो चिप्स बिस्किट नहीं खाए जाते सीधी सी जो बात है। तो घर से कुछ बना के लेके जाऊंगी, तो उसके लिए मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी स्टोर से, हम जा रहे हैं और बस यही था। अच्छा, मैंने ना मुझे मदीना इतना याद आया जब मैं पाकिस्तान चली गई थी। कब गई थी मैं? बड़ईद के बाद गई थी, और मैं बड़ईद पर लास्ट मदीना गई थी। वो 4 दिन मेरी ज़िंदगी के सबसे अच्छे दिन थे, और उसके बाद मैं यकीन करें रोते हुए अपने हस्बैंड को कॉल करती रहती थी, मुझे बुला लो, मैंने मदीना जाना है, मुझे मदीना बहुत याद आ रहा है। लेकिन वो कुछ हालात ऐसे थे कि मैं नहीं जा पा, मतलब नहीं इतनी फ़ौरन बुला सके। और उसके बाद मैं अक्टूबर में वापस आई हूँ सऊदीया, और तब भी कुछ ऐसे सिस्टम थे, जॉब के मसले थे, सारा कुछ के छुट्टी नहीं मिल सकी, जा नहीं सके। और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमें छुट्टी मिली है और अब हम जा रहे हैं। आई एम सो एक्साइटेड कि आप, मेरे को शायद मेरी आवाज़ से पता लग रहा हो कि मैं कितनी खुश हूँ, शायद ना पता लग रहा हो, बट अल्लाह जानता है कि मैं कितना खुश हूँ। तो हम चलते हैं वहाँ पे, और मैं आपको साथ साथ सारा कुछ दिखाऊंगी, आपको ज़्यादा भी करवाऊंगी। अल्लाह ताला आपको भी वहाँ पे बुलाए, आपको भी हाजी का मौका नसीब करे, और सबको, सब मुसलमानों को बुलाए, और सबकी दुआएं और सबकी हाजिरियाँ कबूल फरमाए, आमीन। चीज़ें हम ले आए और अब हम घर जा रहे हैं, और अभी मेरी पैकिंग रहती है थोड़ी सी, कुछ मैंने कर लिया कुछ रहती है, तो अब मैं सुबह ही करूँगी, और बस सुबह हम जाएँगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हम घर से मदीना के लिए निकल आए हैं, और हम यहाँ पे गाड़ी में आके बैठे हैं, और जब गाड़ी पूरी भर जाएगी तो हम फिर चलेंगे। 6:30 हो रहे हैं, तो ऑफिस आ रही है, तक बाकी के लोग भी आ जाएँ और बस गाड़ी चल पड़े। पहले हम बस में जाके बैठे थे, लेकिन ना बस तकरीबन सारी खाली थी, तो फिर हमने ना कहा पैसे ज़्यादा ले लो दे दो, लेकिन सुकून से तो बंदा चला जाए ना, तो ये हमें जल्दी पहुँचा देगी और जल्दी भर जाएगी। बस तकरीबन सारी खाली थी, तो घंटा डेढ़ कहीं भी नहीं गया था बस पड़ने में। सो डेट्स वाई हम गाड़ी में आके बैठ गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम मदीना पहुँच चुके हैं, और ये हरम के बाहर का एरिया है। इन्होंने ये थोड़े अर्सा पहले ही रेनोवेट किया है, और ये काफ़ी अच्छा इन्होंने बना दिया है। काफ़ी शॉप्स वगैरह हैं, कॉफ़ी शॉप नहीं, काफ़ी शॉप्स कॉफ़ी शॉप्स के अलावा, और सामने हरम है माशाल्लाह माशाल्लाह। और हम इसी साइड से जाएंगे, अभी हम रूम ढूंढने जा रहे हैं, अभी हम रूम ढूंढने जा रहे हैं। इतना सामान है हमारे पास, थोड़ा सा ही है, पर अभी हम रूम ढूंढेंगे, फिर हम इंशाल्लाह सलाम करने जाएंगे, और फिर मैं आपको भी ज़ियारत करवाऊंगी। तो अभी हमें इस साइड पर रूम देखना है, फिर आपसे मिलते हैं। और मौसम माशाल्लाह है, माशाल्लाह इतना अच्छा है ना, यहाँ का ठंडी वो फला ठंडी हवा चल रही है। और ये इस साइड पर शॉप्स हैं, 2 रियाल 3 रियाल और डिफरेंट अबाए के लिए दुकानें हैं, अगर आपने शॉपिंग करनी है तो ये बेटर ऑप्शन है, और रीज़नेबल प्राइस में आपको सब कुछ मिल जाएगा। अगर आपने किसी के लिए गिफ्ट्स वगैरह भी लेने हैं तो वो भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे, तो आप इसको विज़िट कर सकते हैं। 4 बज गए और हमने होटल ने हमें बहुत 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 तंग किया,
इन्होंने रेट इतने बढ़ा दिए हुए हैं ना, जिसकी कोई हद नहीं। मतलब आवाम की क्या उसे बोलते हैं, मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं और कुछ नहीं है। तो उस सिलसिले में हम बहुत ही तंग, बहुत टाइम लग गया, और अब 4 बज रहे हैं और अब हम हरम जा रहे हैं। और सामने हरम है 22 नंबर गेट की साइड से, और इसके बाद हम रोज़ा रसूल पे जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बस पहुँचने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं पहले आई थी यहाँ पे, लेकिन तब भी ये छतरियाँ ऊपर ही थी, मतलब खुली हुई थी, और इसके पीछे रोज़ा रसूल है। इस टाइम नज़र नहीं आ रहा है उसका, वो साइड वाला मीनार ही नज़र आ रहा है। तो ये जो फजर की नमाज़ हम पढ़ चुके हैं, और मज़र होटल में जा रहे हैं, तो ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगी फिर। और ये सारे जो नमाजी हैं, ये नमाज़ पढ़ के वापस जा रहे हैं।
अभी फ़िलहाल तो हम नाश्ता करने जा रहे हैं, नाश्ता करते हैं क्योंकि हमने कल से शाम से कुछ भी नहीं खाया हुआ। तो नाश्ता करने के बाद हम इंशाल्लाह दोबारा आएंगे, फिर मैं आपको ज़्यारत करवाऊँगी। और आप अभी दुआ करें कि मुझे रैदुल जना का परमिट मिल जाए, अभी तक मुझे वो नहीं मिला। यहाँ पर स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा है, वो एक एक चीज़ चेक करके अंदर जाने दे रहे हैं। तो इस बात से मुझे बड़ी अभी टेंशन हुई हुई है, मुझे परमिट नहीं मिल रहा। और मेरे हस्बैंड को माशाल्लाह मिल गया था और वो नफल भी पढ़ कर आए हैं, इवन वहाँ पे नमाज भी फजर की पढ़ कर आए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह कितने लकी हैं। अल्लाह ताला मेरी भी किस्मत अच्छी कर दे। अगर मैं यहाँ तक आ गई हूँ तो मुझे अंदर का भी बुलावा आ जाए, दुआ करें आप सब भी। तो अगर मुझे फिर क्या हुआ मेरे साथ, मैं गई या नहीं गई अंदर हाज़िरी के लिए, वो मैं आपको फिर बताऊँगी, साथ अगले व्लॉग में अपडेट करूँगी। तो यहीं पे होता है हमारा आज का व्लॉग खत्म, मदीना पहुंचने तक का। और मदीना में बाकी क्या करेंगे वो नेक्स्ट व्लॉग में अपडेट करूंगी, नेक्स्ट व्लॉग आएगा तब भी उसको भी लाजमी देखिएगा आप। तो यही ये वाला व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है, हमें दे इजाज़त। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, तो आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और ये वाली वीडियोज़ तो बहुत ही स्पेशल होने वाली है ना, कि दुनिया की सबसे सबसे अच्छी जगह पर मतलब इस टाइम में मौजूद हूँ। अल्लाह ताला आना कबूल करे और अल्लाह ताला सबको बुलाए। चलिए जी, बाकी चीज़ें और बाकी बातें बाद में। अल्लाह हाफिज़।